हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन आरएस लॉजिक्स 500 इंग्लिश, आरएस लिंक्स क्लासिक्स एंड आरएस लॉजिक यूनिट 500। तो वो थ्री सॉफ्टवेयर आर यू हैव यू टू सी देन हाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर विदाउट एनी पीएलसी, विदाउट एनी कंट्रोलर, यानी बिना पीएलसी के। मतलब आप किस तरह आरएस लॉजिक 500 इंग्लिश, आरएस लिंक्स क्लासिक, आरएस लॉजिक इमुलेट 500 तीनों को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। सो इस वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। सो विदाउट टाइम लॉस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देन फर्स्ट ऑफ यू हैव टू क्लिक आरएस लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर। देन दिस मैसेज विल बी अपीयर। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। देन यू हैव गो टू फाइल। आपको फाइल पे जाना है, प्लस यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे प्रोसेसर नेम, तो जस्ट आप प्रोसेसर का क्या नाम देना चाहते हैं, तो आप मतलब प्रोसेसर का क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं इसका टेस्ट दे देता हूँ। टेस्ट अंडरस्कोर टूडे डेट 17 मई 2017। देन यू हैव टू नाउ चूज कंट्रोलर। ये इसमें से आपको कंट्रोलर चूज करना है, तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। मैंने माइक्रोलॉजिक 1400 सीरीज ए का कंट्रोलर चूज किया है, तो अब यहाँ पे ओके करेंगे। ओके देन यहाँ पे हम फिर लाल ओके करेंगे, फिर इसको लेफ्ट प्रेस करके या फिर इसे राइट से ड्रैग करना है। फिर यहाँ पे लेफ्ट प्रेस करके और यहाँ पे ड्रैग करना है। देन आपका ये आ गया, तो यहाँ पे जब ये रेड सिंबल आ जाएगा, रेड, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, ठीक। और यहाँ पे जब क्लिक कर दीजिएगा तो एक न्यू रंग आ जाएगा, जिसे हम लोग न्यू रंग इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू रंग, ठीक। तो फिलहाल आप यहाँ पे आप एक ये न्यू रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? न्यू रहना चाहिए, ठीक। न्यू नहीं, रेड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? रेड। आप प्लस यहाँ पे यहाँ से ड्रैग कर दीजिएगा, लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए ड्रैग कीजिएगा, लेफ्ट बटन क्लिक करके राइट बटन से ड्रैग कीजिएगा। अब फिर यहाँ पे आउटपुट में, तो एक्चुअली इसको ये क्वाइल है, क्या ये एनओ है, ये आउटपुट क्वाइल है। तो इसे लेफ्ट क्लिक किए आप प्लस इसको, यहाँ देखिए ग्रीन हुआ है, तब जाके आप छोड़िएगा, ये छूट गया। तो मैंने एक छोटा सा लॉजिक आप प्लस लॉजिक बना लिया। आप प्लस इसमें आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क के पास हम एड्रेसिंग डालते हैं। एड्रेसिंग, तो एड्रेसिंग डालना हो तो आप यहाँ पे ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इनपुट के लिए इनपुट पे डबल क्लिक कीजिएगा। एक बार मैं फिर से अच्छा से बता दूँ, इनपुट के लिए इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। अब फिर इसको लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको बीच में रख लीजिएगा। तो I 0.0 ये फर्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, ठीक। तो फर्स्ट वर्ड में 16 बिट है। डिजिटल क्या होते हैं? 16 ऑन ऑफ के फॉर्म में होते हैं। तो ये 0 है, आई सेपरेटर 0/0। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, लेफ्ट बटन क्लिक करके आप प्लस यहाँ पे जब ग्रीन होगा तब छोड़ दीजिएगा। तो इसका एड्रेस ही हो गया इनपुट का। प्लस ये आउटपुट है, आउटपुट पे आपने डबल क्लिक किया। आप प्लस यहाँ पे ये 0 है, 0 को लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट बटन से पर क्लिक किया, राइट से यहाँ पे ड्रैग करते हैं, तो ये आउटपुट का हो गया। तो मैंने ये बना लिया। आप प्लस इसे मिनिमाइज फिलहाल करता हूँ। अब आर एस लिंक्स क्लासिक सॉफ्टवेयर में चलते हैं। आर एस लिंक्स क्लासिक सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया, इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। देन आपको यहाँ कम्युनिकेशन में आना है। क्या आना है? कम्युनिकेशन में। तो आप यहाँ पे आपको कन्फिगर ड्राइव चलाना है। क्या कन्फिगर ड्राइव? ये देखिए आपका कोई ड्राइवर चल रहा है, कन्फिगर ड्राइवर चल रहा है, तो इसे स्टॉप कीजिएगा और ये डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ से ये आपका हट जाएगा।
सो यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे वर्चुअल बैक प्लेन यहाँ चूज कीजिएगा, ठीक। तो ऐड कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। और यहाँ पे स्लॉट नंबर मांग रहा है, 0 ही रहने दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। बस ये आपका स्टार्ट है। अब यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है, ठीक, और इसको मिनिमाइज कर देना। अब यहाँ पे इम्युलेटर में जाना है, इम्युलेटर तो ओपन हो गया। अब RS लॉजिक 500 में जाना है, और यहाँ पे अब ये प्रोग्राम तो मैंने बना लिया, प्रोग्राम को आप वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। तो आपका यहाँ वेरीफाई हैज कम्प्लीटेड, नो एरर का, यानी आपने जो प्रोजेक्ट बनाया इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक। मैंने प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर लिया। फाइल में जाइएगा, सेव एज कीजिएगा, टेस्ट _14.7 सेव कर दीजिएगा। ये आपका सेव हो गया। अब प्लस आप इम्युलेटर में जाना है, इम्युलेटर में गए, फाइल में गए, ओपन किए, तो टेस्ट _17 डाले थे जिसका नाम, ठीक, यहाँ पे चूज कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। अब यहाँ स्टेशन पूछ रहा है, तो 01 इसका स्टेशन नंबर डाल दिए, स्टेशन नंबर 01 डाल दिए, ठीक। वो किस स्टेशन पे, वो 0 था, ये 01 हो गया, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईस्ट _, इसे _ बोलते हैं, ठीक, और ये 17 हो गया। तो ये मैंने प्रोग्राम को वेरीफाई भी कर लिया। अब प्रोग्राम को कम्युनिकेशन में जाएंगे, ठीक, डाउनलोड करेंगे, फिर यहाँ पे ओके करेंगे, नो रिस्पॉन्स फॉर प्रोसेडर सिलेक्ट पैट नोर इन्फिनिट ड्राइवर फील्ड कोड करना मे नॉट बी रनिंग, ओके। ओके, डाउनलोड, नो रिस्पॉन्स, वाई। रन नाउ, डाउनलोड इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, इनिशियल ड्राइवर फील्ड कोड, ओके। अब चलिए मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ, ठीक। तो आपको कम्युनिकेशन में जाना है, सिस्टम कम्युनिकेशन में जाना है, फिर यहाँ पे ए बी 17, ए बी मतलब 11 बी बी पी वर्चुअल बैक प्लेन, ठीक, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक। और प्लस आपका यहाँ पे जाइए, तो यहाँ से ये चूज कर लीजिए, क्यों नहीं हो रहा है यार, मे बी मैंने यहाँ पे कुछ गलत चूज कर लिया है। फाइल में गए, ओपन में गए, टेस्ट 17 किए हैं, ओपन किए हैं, यहाँ 2 डाल देते हैं, ओके। देन कम्युनिकेशन पर गए, कॉन्फ़िगर ड्राइवर पे किए हम, एवीबी SLC 500, ओके। इम्युलेटर ड्राइवर, सो मैंने गलत चूज कर दिया था, इसे स्टॉप कीजिए। तो मैंने यहाँ ड्राइवर गलत चूज किया हूँ, ठीक, तो इसलिए मैंने इसे कट कर रहा हूँ, इसे RS लिंक्स को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक।
अब आरएस लिंक्स को फिर से ओपन करेंगे। तो आरएस लिंक्स पे क्लासिक पे गए, ठीक, यहाँ कम्युनिकेशन पे गए, कॉन्फ़िगर ड्राइवर्स पे गए, अब स्टॉप डिलीट इसे कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे आपको SLC 500 DH8485 इम्युलेटर ड्राइवर पे क्लिक करना है, ऐड करना है, ओके करना है, ठीक। यहाँ स्टेशन नंबर 01 डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे आप फिर क्लोज कर दीजिए, अब कम्युनिकेट हो जाएगा। यहाँ वेरीफाई प्रोजेक्ट कीजिए, आप कम्युनिकेशन में जाइए, सिस्टम कम्युनिकेशन में जाइए, ठीक। और ये आपका कौन सा है, कंट्रोलर, आप सभी बने रहिए क्योंकि आरएस लिंक्स हो गया, टेस्ट अंडर स्कोर 2 हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। गो ऑफलाइन, कम्युनिकेशन, डाउनलोड, ओके, डू यू, देखिए यहाँ पे अब हो गया, ये कम्युनिकेशन हो गया, यस। ये यहाँ पे आपका रिमोट प्रोग्राम में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिमोट प्रोग्राम में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको रन पे क्लिक करना है, ठीक। तो यस कीजिएगा तो रन पे हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अब इसको राइट क्लिक करना है, इसमें क्या करना है, राइट क्लिक, और ये देखिए टॉगल बिट है, टॉगल बिट मतलब एक बार मतलब प्रेस कीजिए तो ऑन हो जाए, ठीक है, और प्रेस से हटा लीजिए फिर भी ऑन हो जाए, उसे हम लोग टॉगल बोलते हैं। तो टॉगल मुझे नहीं करना है, मुझे फोर्स ऑन करना है। तो ये देखिए आपका आउटपुट ऑन हो गया, इस पे हम प्रेस किए, ये एक्चुअली ये आपका जो ग्रीन है ये जस्ट सप्लाई का एक इंडिकेट करता है, ये ऑन हो गया, जैसा कि आपका आउटपुट ऑन हो गया, ठीक। और प्लस रिमूव फोर्स किए हैं फिर भी आउटपुट ऑन है, ठीक। फोर्स ऑफ किए हैं, फोर्स ऑफ हो गया, फिर फोर्स ऑन कर दिए तो ये रहा, रिमूव फोर्स किए हो गया, फोर्स हट गया, फोर्स ऑफ, रिमूव फोर्स। तो यानी आपने इस वीडियो में देख लिया कि हम लोग RS Logic 500, RS Lynx Classic 500 एंड RS Logic Emulate 500 को आपस में कैसे कम्युनिकेट कराते हैं। तो मैंने आपको छोटा सा एक कम्युनिकेशन बताया हूँ इस वीडियो में, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक। तो अगर आपको कम्युनिकेशन करने में थोड़ा भी एरर आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना लिख सकते हैं कैसे करूँ कम्युनिकेशन। सो इंजीनियर्स राधे राधे, आई हैव टू मेक इन टू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।